नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से 4 मैचों की सीरीज का आगाज होगा। इसे लेकर दोनों टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिहाज से ये सीरीज काफी अहम है। यही कारण है कि दोनों टीमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस सीरीज में स्पिनरों का बोलबाला रहने वाला है। इस वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन से घबराई हुई है। अडानी ग्रुप के शेयरों में जो गिरावट का दौर शुरू हुआ है, जिसको लेकर विवाद भी हो रहा है। इसी बीच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने शनिवार को बयान जारी किया। एसएबी ने कहा कि वह बाजार के एक व्यवस्थित और कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए लगा हुआ है। एसएबी ने अपने बयान में कहा है कि वो मार्केट के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे और इस मामले में हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। एसएबी ने कहा है कि मार्केट में सुचारू, पारदर्शी और कुशल तरीके से काम करने के लिए किसी खास शेयरों में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए निगरानी व्यवस्था मौजूद है। गुजरात के अहमदाबाद की आईटी कंपनी ने शनिवार को अपने कर्मचारियों को बड़ा सरप्राइज दिया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ने 13 कर्मचारियों को 10 लाख रुपए तक की कार गिफ्ट की है। उपहार पाकर सभी कर्मचारी खुशी से झूम उठे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी त्रिद्या टेक ने अपने 13 कर्मचारियों को टोयोटा की 7 से 10 लाख तक की कार तोहफा में दिया है। कंपनी के सीईओ रमेश मारन ने कहा है कि हमने कंपनी की स्थापना के 5 साल पूरे कर लिए। इस खास मौके पर हम अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर अर्जित की गई संपत्ति को बांटने में विश्वास रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने शनिवार को अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पार्टी नेताओं को संघीय सरकार के खिलाफ जेल भरो तहरीक के वास्ते तैयार रहने का निर्देश दिया। खान ने पार्टी नेताओं को हिरासत में यातना दिए जाने और नए सिरे से आम चुनाव कराने की घोषणा में देरी को लेकर संघीय सरकार के खिलाफ यह आंदोलन चलाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं को लगातार अमलीजामा पहनाया जा रहा है। कई योजनाओं को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है और कई पर काम किए जा रहे हैं। इस क्रम में यमुना अथॉरिटी भी औद्योगिक शहर के विकास कार्य में लगी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शहर दिल्ली की तुलना में 2 गुना से ज्यादा बड़ा होगा और नोएडा के मुकाबले यह 15 गुना बड़ा होगा। हाल ही में योगी सरकार ने इस प्रोजेक्ट में 55 और गांवों को शामिल किया है, जिसके बाद इसका क्षेत्रफल और बढ़ गया। अब यहां विकास कार्य यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत होंगे। गोपालगंज में जनस्वराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने एक बड़ा खुलासा किया। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने तीन बार लोगों को ठगा है। सबसे पहले 2015 में छोड़कर भागे, फिर उसके बाद हमने 2019 में 2 MP के जदयू को 17 MP का सीट दिलवाया। भाजपा को बिना लड़े हुए 30 से घटाकर 17 कर दिया। जनता से पूछते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अब आप ही लोग बताएं, अब नीतीश कुमार पर कितना भरोसा करें। पाकिस्तान के हाथ से एशिया कप 2023 की मेजबानी फिसल गई है। 4 जनवरी को एशियन क्रिकेट काउंसिल की आपात बैठक भी हुई, जिसमें साफ हो गया है कि टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान में नहीं होगा और इसके लिए सिर्फ बीसीसीआई का रुख ही नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के खस्ता माली हालत भी वजह है। पीसीबी के मुखिया नजम सेट्टी के आग्रह पर बहरीन में एसीसी की आपात बैठक हुई थी, जिसमें बीसीसीआई सचिव जैसा और नजम सेट्टी के बीच मुलाकात हुई। एसीसी की इस बैठक में फैसला किया गया है कि एशिया कप वनडे टूर्नामेंट के वैकल्पिक स्थल पर फैसला मार्च में करेगी। नासा और इसरो द्वारा तैयार किए जा रहे NISAR सैटेलाइट अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और इसे भारत भेजे जाने में भी कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट को भारत भेजने की तैयारी भी पूरी कर ली है। बता दें कि सैटेलाइट को भारत भेजने से पहले वैज्ञानिकों ने विदाई समारोह का आयोजन किया और इस समारोह के दौरान सभी वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। बता दें कि सैटेलाइट प्राकृतिक खतरों, समुद्र के लेवल में उतार चढ़ाव और भूजल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिक तंत्र, गतिशील स्तरों और बर्फ के मास को नापेगा और इसके साथ ही अन्य तरह की तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा। सूर्य कुमार यादव को आउट करने पर इस खिलाड़ी को मिली सरकारी नौकरी। दरअसल पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह को पाकिस्तानी हुकूमत ने सरकारी नौकरी दी है। उन्हें सरकार ने DSP बनाया है। बताया जा गया है कि पाकिस्तान सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने एशिया कप में सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया था। हालांकि नसीम शाह ने एशिया कप में भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने के लिए शानदार गेंदबाजी करने वाले इस युवा को महज 19 साल की उम्र में ही बलूचिस्तान का DSP बनाया गया है। खेल के मैदान पर जब वो सक्रिय नहीं होंगे तो वह इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। नसीम के इस पद पर बहाल होने की जानकारी पाकिस्तानी मीडिया के जरिए मिली है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा ने शनिवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा केरल में मेरी एकेडमी उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। इस एकेडमी में पूरे देश से बच्चियां आती हैं, मुझ पर निजी हमले हो रहे हैं। कुछ गुंडों ने शुक्रवार रात एकेडमी में घुसकर गुंडागर्दी की, लड़कियां डरी हुई है। मुख्यमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, कहते हुए पीटी उषा रो पड़ी। भारतीय रेलवे टिकट जारी करने की क्षमता प्रति मिनट 25,000 से बढ़ाकर 2.25 लाख करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही पूछताछ की क्षमता भी प्रति मिनट 4 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की योजना बनाई जा रही है। पोल के परिणाम से पता चलता है कि लोग इससे काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। 83.2% लोगों ने कहा है कि इससे ऑनलाइन बुकिंग में आने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। वहीं 16.8% लोगों ने इससे इनकार किया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स को रोटी बनाते हुए वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन बिहारी स्टाइल में रोटी बनाते हुए नजर। बिल गेट्स का ये रोटी बनाते हुए वीडियो मशहूर शेफ एटन बर्नत ने शेयर किया है, जिसमें बाद में ये वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर इस पर रिएक्शन दिया है। पीएम मोदी ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शानदार भारत में अभी बाजरा काफी पसंद किया जा रहा है, जिसे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि सत्ता के शीर्ष पद पर पहुंचने के लिए उन्हें अपने धर्म से प्रेरणा मिली। हिंदुत्व में कर्तव्य को बहुत महत्व दिया जाता है। लिस ट्रस्ट के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें बहुत मुश्किल जिम्मेदारी मिली है। इसमें सरकार को लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों वाली वस्तुओं के मूल्य कम करने हैं, जीवन को आसान बनाना है। इसके लिए वह हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को कर्नाटक की यात्रा करेंगे। वह बेंगलुरु में करीब 11:30 बजे इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम 3:30 बजे तुमकुरु में बने HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित करेंगे। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री होगी। इसके साथ ही वह विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन 6 से 8 फरवरी तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य एनर्जी ट्रांसमिशन पावर हाउस के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति को प्रदर्शित करना है। इसमें दुनिया भर से 30 मंत्री शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अरबपति कारोबारी गौतम अडानी की कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की जानी चाहिए। नीतीश कुमार से संसद की कार्यवाही के दौरान अडानी को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बारे में पूछे जाने पर जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेता ने कहा, हाँ कुछ सुने हैं, देख रहे हैं, उसके काम का कुछ खास मतलब नहीं है। अब तो आ ही गया है सब कुछ प्रकाश में, तो इसको देखना चाहिए। भारत की सीमा के भीतर चीन की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने अब रणनीतिक मोर्चे पर घेराबंदी तेज कर दी है। अमेरिका के बाद अब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यूके के NSA टीम बैरो के साथ वार्ता की। इस बातचीत में ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक भी थोड़ी देर के लिए शामिल हुए। बैठक के बाद भारतीय उच्चायोग एक बयान जारी कहा कि यूके के PM ऋषि सुनक यूके कैबिनेट कार्यालय में NSA डोभाल और NSA बैरो के साथ भारत यूके NSM संवाद में शामिल हुए। भारतीय वायुसेना ने एक मध्यम श्रेणी के ट्रांसपोर्ट विमान को हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसे मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में बनाया जाने वाला है। वायुसेना ने जानकारी दी है कि विभिन्न भूमिकाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस मध्यम श्रेणी एयरक्राफ्ट की सामान ले जाने की क्षमता 18 से 30 टन के बीच होगी। इस नए विमान में तत्काल कार्रवाई और सैनिकों और कार्गो को पैरा ड्रॉप करने के लिए भी सुविधाएं हैं। इस परिवहन विमान को छोटे एयरपोर्ट या कम सुविधाओं वाली हवाई पट्टियों से भी उड़ाया जा सकेगा। यह नया विमान दुर्गम इलाकों में वायुसेना की रसद सप्लाई की क्षमताओं को मजबूत करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कहा है कि विपक्ष का यह रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ कहा कि इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। एजेंसी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष बार बार राष्ट्रपति का अपमान करता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनकी प्रतिक्रिया निंदनीय है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के रवैये की निंदा की और इसे राष्ट्रपति और आदिवासी समुदाय का अपमान बताया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा द्वारा नीतीश कुमार को टाइगर बताए जाने पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने तीखा प्रहार किया। बेगूसराय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार का इकबाल अब खत्म हो गया है। लोग इनको कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है, लेकिन स्थिति यह है कि टाइगर बूढ़ा हो गया है। इनकी कमान किसी दूसरे के पास है जो इन दिनों विदेश में है। सम्राट चौधरी ने सीधा साधा इशारा किया कि नीतीश कुमार खुद से नहीं चल रहे हैं, बल्कि लालू यादव उनको कंट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था कि अडानी समूह की कंपनियों के शेयर मूल्यों में जबरदस्त उछाल एक बुलबुला है जो जल्द ही फूट जाएगा। सिंह ने कहा कि लोकसभा में एक सुरक्षाकर्मी ने राहुल गांधी को बताया कि अडानी समूह के शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने उससे कहा कि यह सिर्फ एक बुलबुला है जो जल्द ही फूट जाएगा। न्यायाधीशों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति को मंजूरी में देरी को लेकर उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई की चेतावनी के एक दिन बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को कहा कि इस देश का मालिक यहां की जनता है और मार्गदर्शक इस देश का संविधान है। उन्होंने कहा कि हम सब लोग जनता के सेवक हैं और कोई भी किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। वह शनिवार को प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 185वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से जारी तनाव के बीच भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात रक्षा समेत कई प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए राजी हुए। तीनों देशों ने त्रिपक्षीय ढांचे के तहत रक्षा, परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा पेश की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और फ्रांसीसी समकक्ष कैथरीन कोलोना और UAE के शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के बीच फोन पर बातचीत के दौरान योजना को अंतिम रूप दिया गया। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह स्वीकार किया गया है कि रक्षा तीनों देशों के बीच सहयोग का एक अहम क्षेत्र है। बयान में आगे कहा गया है कि तीनों देशों के रक्षा बलों के बीच सहयोग और प्रशिक्षण के लिए रास्ते तलाशे जाने के प्रयास किए जाएंगे। देश में तेजी से अपने पैर पसार रही आम आदमी पार्टी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की राह में रोड़ा बन सकती है। पार्टी ने इन साल एक बड़े राज्य में होने वाली असेंबली चुनाव में उतरने का ऐलान किया है, जिससे कांग्रेस नेता परेशान है। वहीं आपके इस फैसले से बीजेपी के नेता मन ही मन में गदगद हो रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पर वे इस फैसले पर कोई टिप्पणी करने से परहेज कर रहे हैं। असल में आम आदमी पार्टी ने इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में होने जा रहे असेंबली चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में 5 जज की नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इस बाबत शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। यहां जजों के कुल स्वीकृत पद 34 है। ये सभी 5 जजों को 6 फरवरी की सुबह शपथ दिलाई जाएगी। कॉलेजियम ने दिसंबर 2022 में नामों की सिफारिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट में केवल 2 ही पद खाली रह गए हैं।
भारतीय टीम के अनुभवी क्रिकेटर शिखर धवन के लिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से एक अच्छी खबर सामने आई है। कोर्ट ने धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी को आदेश दिया है कि वह कहीं भी और कभी भी धवन के खिलाफ बदनामी वाले बयान न दे। बता दें कि शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा के बीच तलाक का केस चल रहा है। इसी बीच धवन ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की कि आयशा उनकी छवि खराब करने की कोशिश करे। इसी मामले में कोर्ट ने आयशा को ऐसा नहीं करने का आदेश दिया है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टार पठान की चर्चा हर तरफ हो रही है। जहां 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने के बाद शाहरुख की फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, तो वहीं कमाई के मामले में एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाती दिख रही है। इसी बीच फिल्म पठान 400 करोड़ नेट क्लब में शनिवार की कमाई के बाद शामिल हो गई है, जिसके बाद बाहुबली 2 और KGF 2 को काफी पीछे छोड़ दिया है और भारत में बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरी है। वहीं शाहरुख खान बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे। इतना ही नहीं, भारत में 11 दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म पठान है, जिसके चलते फैंस बेहद खुश नजर आ रहे हैं। IAS KK पाठक पर बिहार में कार्रवाई की मांग होने लगी है। बादशाह के साथ अब बिहार के सियासी गलियारे से भी आवाज उठने लगी है कि KK पाठक को नीतीश कुमार बर्खास्त करे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को बयान जारी कर नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने IAS KK पाठक को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के आदती और पूरी औपनिवेशक अकर से काम करने वाले IAS KK पाठक ने अब तक दर्जनों मंत्रियों, विधायकों और अफसरों का अपमान किया है, फिर भी मुख्यमंत्री उन्हें संरक्षण देकर कार्यपालिका का मनोबल गिरा रहे हैं। घूमने का शौक तो हर एक भारतीय को होता है। आजकल भारतीय भीड़भाड़ वाले इलाकों को छोड़कर ऑफ बीट जगहों पर घूमना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लोग आजकल तीर्थस्थल पर ज्यादा लोग जा रहे हैं, इससे होटल इंडस्ट्री और टूरिस्ट स्पॉट पर अच्छा खासा बिजनेस भी आ रहा है। लोग शिमला, मनाली छोड़कर केदारनाथ, बद्रीनाथ, चोपटा, चक्राता, बाली, थाईलैंड जैसी जगहों पर घूमना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मेक माई ट्रिप और IXIZO के चेयरमैन के मुताबिक लोगों को उनके टूर पैकेज खूब भा भी रहे हैं। टूर पैकेज लेकर लोग एक ही जगह पैसे देकर सुकून की ट्रिप कर रहे हैं। मेक माई ट्रिप के CEO के मुताबिक लोग शिमला, मनाली जैसे जगहों के बजाय वाराणसी, जगन्नाथपुरी, ओडिशा जैसी जगह जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। होली को लेकर अभी से ही ट्रेनों में टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई है। कंफर्म टिकट नहीं मिलने से यात्रियों की परेशानी काफी बढ़ गई है। दिल्ली, पंजाब, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, इसके बाद सिकंदराबाद से पटना समेत बिहार आने वाले हजारों बिहार वासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 120 दिन पहले टिकटों की बुकिंग शुरू होने के कुछ मिनटों में ही सभी कंफर्म टिकट बुक हो गए हैं। स्पीड जो टिकट नहीं ले पाए वो अब स्पेशल ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता से तो लोग सड़क मार्ग से भी बसों के जरिए भी घर पहुंच रहे हैं, लेकिन मुंबई, पुणे, सिकंदराबाद, गुजरात और अहमदाबाद की डगर बहुत कठिन है। लखीसराय विधायक और बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा के आवास में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने इनके एग्जीबिशन रोड स्थित आवास से 1.5 लाख रुपए नगद, दस्तावेज व घड़ी की चोरी की है। इस मामले में पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें उसने कहा है कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा के आवास से 1.5 लाख रुपए नगद, दस्तावेज व उसकी घड़ी की चोरी की गई है। उसने इस चोरी का आरोप पूर्व कर्मी शिवम कुमार पर लगाया है। शिवम सीतामढ़ी के नानपुर के सामर गांव निवासी बताए जा रहे हैं। बीते दिन हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रविशंकर, अनवर करीम खान, मृत्युंजय कुमार, बाबूलाल मरांडी, अखिलेश यादव, महमूद अंसारी, नन्नू कोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, मोहम्मद नौशद राजा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या आप पार्टी देश में दूसरी बड़ी पार्टी बन सकती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।